मैं ये जो बेबी है ये अपनी बेटी को सरप्राइज देने वाला हूँ, लेके आओ इसका गिफ्ट, देखो क्या है, टेडी है, टेडी लाए। ये ओ उल्टा मत करो, बताओ क्या है ये पप्पी है, पप्पी है, आपको चाहिए था? और नहीं पहले ये बताओ कौन सी ब्रीड होगी? थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा डॉग दिया, मचलता हुआ जो अभी भी मचल रहा है, काश सबके पास ऐसे हो। और ना पर डॉग्स वो ना मचले, हेलो एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड योर होस्ट बादल भंडारी एंड आई वेलकम यू इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज डॉग्स योर फ्रेंड्स फॉरएवर। डियर फ्रेंड्स, आज मेरे साथ में है एक बहुत ही प्यारा सा साइबेरियन हस्की, और इम्पॉर्टेंट हस्की के अलावा ये है कि मैं ये जो बेबी है ये अपनी बेटी को सरप्राइज देने वाला हूँ। और मेरे साथ में मेरा बेटा बैठा हुआ है पिदा, और हम मैं इस समय घर जा रहा हूँ। वो बहुत देर से मुझे मेरे पीछे पड़ी थी, पापा मुझे एक न्यू डॉगी ला के दो, मुझे एक न्यू डॉगी ला के दो, पर्सनल पेट जिसको वो खुद अपने हिसाब से ग्रूम करना चाहती है, अपने हिसाब से पालना चाहती है, उसकी केयर करेगी, हैबिट्स डेवलप करेगी, वो सब चीज़। और मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की, बिकॉज़ मैं खुद पेट लवर हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब मेरी बेटी ने मुझे बोला कि पापा मेरे को एक पेट ला के दो। बहुत देर से टाल रहा था, मुझे था थोड़ा सा बच्चे थोड़े से संभल जाएँ, बड़े हो जाएँ। अभी जो मेरा पिद्दा है छोटा वाला, आप ये देखेंगे इसके साथ में, और मेरी बेटी इबादत के साथ में खेलने के लिए मैं लेके आया हूँ। खेलने के अलावा एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको आएगी। सारा दिन फ़ोन पे बच्चे लगे रहते हैं आजकल, और ऑफकोर्स वो बहुत अच्छी बात नहीं है। जब लॉकडाउन नहीं था उससे पहले पेरेंट्स और टीचर्स सब कहते थे कि हमें मोबाइल अवॉइड करना चाहिए, मोबाइल अवॉइड करना चाहिए, बच्चों की आंखों पे गलत असर पड़ता है। बट ये मैं बता रहा था, जब से लॉकडाउन हुआ है हम सारा दिन बच्चे जो मोबाइल्स पे लगे रहते हैं, आप सबके भी ऑफकोर्स, मेरे बच्चे भी लगे रहते हैं फ़ोन पे, तो होता क्या है उससे कुछ चीज़ें बहुत उनके काम की मिलती हैं देखने के लिए। ऐसा नहीं है कि नेट इंटरनेट जो वो गलत है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ये हैं कि वो उल्टी सीधी शरारतें सीखते हैं, पंगे सीखते हैं। अभी मैं रुक के बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज़ मैं आई एम अबाउट टू कॉल इबादत, नंबर मिलाओ बच्चे, मैं उसे सरप्राइज़ देने वाला हूँ, और उसको पता नहीं है कि आज उसके घर पे ये बेबी आने वाला है। एंड शी वॉज वेरी एक्साइटेड, उसको मैंने बोला था मैं ला के दूंगा, कब ला के दूंगा ये नहीं बताया था मैंने। इसका जो नाम है वो मैंने पैब्लो सोचा है, और आई डोंट नो इबादत को क्या नाम पसंद आता है वो कर। हेलो 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 प्रिंसेस, कैसे हो बच्चे, क्या कर रहे हो आप? पढ़ाई कर रहे हो, ओके। सुनो, आप 1 मिनट में गेट के बाहर आओगे, पापा आपके लिए एक सरप्राइज लाए हैं। आज बर्थडे नहीं है आपका, लेकिन आपने बहुत देर से ना मुझे एक गिफ्ट बोला हुआ था लाने को, आपके लिए वो गिफ्ट लेके आया हूँ। और बनू तो पहले ही मेरे पास में आया हुआ था, बिकॉज मुझे डॉक्टर को चेक करवाने गए थे ना, उसके पाँव पे चोट लगी हुई है, तो मुझे लगा मैं आप दोनों बच्चों के लिए एक सरप्राइज लेके आता हूँ। राइट, आई एम कमिंग, आप आ जाओ 1 मिनट में आ जाओ, मम्मा को बता के आना बाहर। डियर फ्रेंड्स, मेरी पिद्दी आ गई, यहाँ पे आओ, इधर आओ, यहाँ पे स्टैंड, यहाँ पे मैं इसलिए डाल रहा हूँ आपके लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। डियर फ्रेंड्स, मैंने जो इसके लिए जो लाया हूँ मैंने उसे छुपा दिया है कि सरप्राइज है। अब मैं ना इससे इस मास्क से इसकी आंखें बंद करने लगा हूँ, और इसको अंदर जाके मैं वो सर बस यही बताएंगे। बनी तो आपको बता नहीं सकता, जो छोटा भाई है वो बोलता नहीं है, मैं अभी दिखाता हूँ। डियर फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं सरप्राइज को। किडनैप किया हुआ, बैठो बैठ जाओ, पापा के पास बैठ जाओ। आपको ना एक चीज मैं टच करवाऊंगा, आपने ना उसको जज करना है, चेक करके मुझे बताना कि वो क्या है। यार मुझे पहले भी दिख रहा, सच्ची में नहीं दिख रहा। हाँ, अभी अभी टच करके बताना है। भैया लेके आओ, लेके आओ इसका गिफ्ट, देखो क्या है, टेडी है, टेडी लाए। ओ उल्टा मत करो, बताओ क्या है ये? पप्पी है, आपको चाहिए था? और नहीं पहले ये बताओ कौन सी ब्रीड होगी, कैसे आपने जो आपको चाहिए था? ओह माय गॉड, ये देखो, ये वो गया। सही में यही चाहिए था, ऐसे ही चाहिए था।
ओले मेरा नूनू, आपको आप तो बहुत छोटे, आपको पता ही नहीं है। सो हाउ वाज द सरप्राइज, ये बताओ मुझे। ऐसे लग रहा है किडनैप किया। किडनैप किया? नहीं पप्पी। बंद हो गई थी मुझे। अच्छा आप मुझे ये बताओ, वो ये बताओ ये जो बेबी है, मेरी है। अच्छा आपका, आप ले लो। ये बताओ मम्मा को क्या बोला, कहाँ जा रहे हो? मम्मा को पता है पप्पी आया? आप ही को नहीं पता था, मम्मा को कहाँ पता होगा। फिर बता दिया थोड़े जोर से बोलो, अच्छे से बोलो। ओके तो अब ये बॉय है, आपको बॉय चाहिए था ना, भाई चाहिए था, आप बोल रहे थे मेरे को भाई चाहिए, नहीं बहन चाहिए। और ठीक है मैं भाई ले आऊंगा। यार ऐसे थोड़ा होता, भाई कहाँ शरारती होते हैं, भाई अच्छे होते। ओए नहीं नहीं नो नो नो, बहुत डेलिकेट है, छोटा सा बेबी है जैसा बनी है। ये हो गया आज 55 डेज का। मतलब कि आपने शॉप पे रखा हुआ है ये? हाँ कुछ कुछ दिन बाकी, इसके भाई बहन भेज दिए हमने इनके नए घर, और इसको मैंने हमने खुद रख लिया, रिटेन कर लिया, और पापा ने इसका नाम पैब्लो रखा है। और मैंने इसका रियल नेम है मेरा ब्लूटो। ब्लूटो? ब्लूटो कौन सा, ब्लूटो कौन सा नाम होता है भाई, ब्लूटो कौन सा नाम होता है? अच्छा आओ तो सही, फिर पास तो आओ, अब ऐसे कैसे बात बनेगी। सो इसका रियल नेम मैंने पैब्लो रखा, आपके पास में, अगर आप इसको अच्छे से ख्याल रखोगे और अपना टाइम पे पढ़ाई भी करोगे, अगर मस्ती कर, अगर सोचोगे ना सिर्फ मस्ती करनी है, इसके साथ खेलते रहना है, तो बेटा जी मैं इसको वापस ले जाऊंगा, मैं किसी और को दे दूंगा। दे दूं किसी को? नहीं। पक्का? मम्मा से कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, ठीक है? कोई पारी नहीं, कोई थैंक यू नहीं, बताओ यार कैसे बच्चे हैं। थैंक यू। अच्छा पारी अब हमारे घर ही रहना होता है बच्चे, जो बेबी आता है हमारे घर रहने के लिए। मत 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 मत, उसे घूमने दे, ऐसे ऐसे खेल ले उसको, ऐसे ऐसे घुमा ले अपने साथ, ऐसे ऐसे घुमा ले। बेड भी ले आएंगे, बेड चाहिए नहीं अभी गर्मी में, बेड पे नहीं बैठेगा वो, उसको छोड़ दो, घूमना चाह रहा है वो, उसको शुशु आया होगा, भागने दो उसको। पापा थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा डॉग दिया, मचलता हुआ जो अभी भी मचल रहा है, काश सबके पापा ऐसे हो, और ना पर डॉग्स वो ना मचले, वो ना खून वापस मारते थे बॉय।